आप लोग एक नई फिल्म रिलीज करने जा रहे हैं डोली सजा के रखना, जिसके पोस्टर लगे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि सर इस फिल्म के बारे में बताएं, आप पत्रकारों को आज क्या जानकारी देना चाहते हैं? सबसे पहले जितने भी हमारे पत्रकार महोदय हैं सबको दिल से प्रणाम और स्वागत है। आप सबको डोली सजा के परिवार, डोली सजा के रखना के परिवार में, आप लोगों ने अपना बेशकीमती समय हमें दिया और हमें कुछ बोलने का मौका दिया। और डोली सजा के रखना एक पारिवारिक फिल्म है हमारी, एक बाप बेटी के रिश्ते के ऊपर कहानी है कि जिस चीज़ को हम सोचते हैं कि ये गलत है और हमारे माता पिता हमेशा उस चीज़ को अलग और हमारे करियर के लिए, हमारी बेहतर के लिए सोचते हैं। और अमरपाली जी ने बहुत बेहतर काम किया है, हमारे देव भैया ने कुछ दिन तक हमारे सिनेमा को संभाला था क्योंकि रजनीश भैया कहीं बिजी थे, तो उन्होंने भी बहुत प्यार दिया। रजनीश भैया ने ये सिनेमा को बेहतर लिखा है, इसमें म्यूजिक डायरेक्टर छोटे बाबा आर्या शर्मा और रजनीश मिश्रा जी, उन्होंने बेहतर तरीके से अपना काम किया है और हम भी बेहतर किए होंगे। जब आप सिनेमा देखेंगे तो समझ में आएगा, अपने मुँह से अपन बड़ाई करके क्या करेंगे हम, जब पब्लिक जो अच्छा मानती है उसी के लिए हम बने हैं और कोशिश हमारी रहती है कि हम बेहतर सिनेमा के हिस्सा बने। रोशन जी, फिल्म कब तक आ रही है थिएटर्स में, क्या डेट डिसाइड हुई है रिलीज की? सेकंड सितंबर की प्लानिंग है हमारी, प्लानिंग है क्लियर, इसको क्लियर मत समझिएगा। नहीं नहीं, ये क्लियर है और भूल जाता है सर, गड़बड़ हो जाता है सर, आप नहीं समझते, गड़बड़ हो जाता है तो फिर आप फंस जाइएगा। देखिए हमें 2 सितंबर को हमें रिलीज करना है, लेकिन अब आपदा कब आ सकती है, क्या हो जाएगा, क्या गड़बड़ होगा इसकी, अगर कुछ भी सब कुछ क्लियर रहा तो 2 सितंबर को हमको कम्प्लीटली 99% आने वाले। 1% में दुविधा ये है कि कुछ भी हो सकता है, बिहार की बातें हैं, बिहार में हमेशा देखते हैं बम फूटते रहता है, मैंने बम ना कुछ गड़बड़ चीज़ें होती रहती है, तो उसमें कुछ ऊपर नीचा अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो ही शायद हो सकता है, अदरवाइज 99% हमारा मोटो ये है कि हम 2 सितंबर को ही बिहार में ऑल इंडिया मैंने बिहार झारखंड से लेकर यूपी बंगाल जितना भी है थिएटर हर जगह एक साथ ओपन हो रहा है सिनेमा। जी रोशन जी, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं फिल्म को एक ग्रैंड रिलीज देने के लिए? हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं, अभी सारे थिएटर्स में फिल्म के ट्रेलर्स चल रहे हैं, सारी जगह प्रमोशनल एक्टिविटीज जो होनी चाहिए हम लोग कम्प्लीट स्टार्ट कर चुके हैं और अभी से हमारे स्टाफ सारी लाल जी काफ़ी सपोर्ट में उतर गए हैं, अभी डेफिनेटली फिल्म को हमें लगता है कि अच्छी सक्सेस मिल सकती है, सारी जी का साथ है। और जिस तरह से सिनेमा टू सिनेमा जाके प्रमोट करते थे, ऑडियंस के बीच जाते थे खेसारी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, हालांकि आपके जाने से बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है, उसे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन क्या इस फिल्म के प्रमोशन के लिए आप थिएटर्स में जाएंगे इस बार? देखिए लोगों का भीड़ अगर आया तो जिस हिसाब से रॉडी स्पेक्टर बहुत दिन बाद मिली और एक साउथ के डायरेक्टर के साथ मैंने किया और उसका 2.5 साल का रिकॉर्ड टूटा यूपी में भी और बिहार में भी अच्छी ओपनिंग लगी, तो धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, बेहतर सिनेमा बनेगी तो आएंगे और आएंगे तो मेरी कोशिश रहती है, मैं उनसे दूर कभी नहीं रहा, मेरी कोशिश रहती है कि आजकल मीडिया के थ्रू जो चीज़ें हो रही है घर घर पहुंच जाती है और हॉल में जब आदमी जाता है तो गैदरिंग बहुत ज़्यादा होती है, उसमें नुकसान हॉल मालिक का हो जाता है, क्योंकि मैं जाता हूँ जब भी जिस शहर में भी गया हूँ लोगों का प्यार इतना ज़्यादा मिलता है मुझे, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है और हॉल मालिक को प्रॉब्लम हो जाती है और दिक्कत हो जाती है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर हॉल तक हमारी ओपनिंग अच्छी रही तो हम ये भी कोशिश करेंगे कि फिर से दोबारा हॉल तक पहुँच के और लोगों तक अपनी चीज़ों को बताया जा पहुँचाएंगे। रोशन जी, क्या फिल्म एक बार जो मल्टीप्लेक्सेस हैं उसमें स्पेस मिल पाएगा इस बार डोली सजा के रखने? हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस समय अंधेरी के मल्टीप्लेक्स में फिल्म रिलीज करने की और बिहार में हम लोग सीएम थिएटर्स में फिल्म रिलीज कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग आएंगे। खेसारी जी, जो फिल्म डोली सजा के रखना हमने देखा कि ट्रेलर जो है काफी लोगों ने पसंद किया, 1 महीने के अंदर बहुत सारे 5-6 मिलियन व्यूज जो है वो मैंने देखे, आपको लगता है कि फिल्म का वो कौन सा हिस्सा है जो ऑडियंस को सबसे ज्यादा पसंद आएगा या उनके दिल को छू जाएगा और जिसकी फैन जिसके दीवाने हो जाएंगे? देखिए हमारी जो जनता भोजपुरी की जनता है इमोशन पे हमेशा चलती है, क्योंकि देखा जाए तो इमोशन के मामले में यूपी बिहार जो ऐसा राज्य है जहाँ पे रिश्तों की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है, लोग फुआ मामा दादा, आज की जनरेशन में ऐसा है कि अपने दूसरे पीढ़ी का नाम तक बच्चे नहीं जान पाते, तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो इमोशन है ना वो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत अच्छा लगता है और हमारा इमोशन ही है जो लोगों को कहीं ना कहीं खींच के लाएगा, क्योंकि एक बाप बेटे का रिलेशन है,
एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन, एक रिश्तेदारी, तो सारी चीज़ें उस मूवी में हम कोशिश किए हैं, कॉमेडी से लेकर इमोशन से लेकर गाने तक। उसका एक बहुत बड़ा गाना भी हिट हुआ है, पागल बन के भागल फिरी होते बड़ा इंसल्टी कि तोरा दिल के गलती कि मोरा दिल के गलती। ये प्यारा गाना सॉन्ग, और इस गाने को आर्या शर्मा जी ने किया है। तो कहीं ना कहीं मैं हमने कोशिश की है, और इसमें 7-8 गाने हैं और सारे कमाल के गाने आपको देखने को मिलेगा। और हमारे बाली जी अद्भुत एक्टर हैं, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती क्योंकि वो समझदार बहुत हैं और चीज़ों को समझती हैं। और हमारे रोशन जी ने खर्चा करने में भी कोई इतना भी नहीं सोचा कि हाँ क्या ये ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है, नहीं। इन्होंने बोला कि सिनेमा के लिए जो बेहतर होगी हम करेंगे, इन्होंने किया है। तो जब अच्छे प्रोड्यूसर मिलते हैं तो हमें भी मज़ा आता है कि सर हमारी जो चीज़ बनने वाली है वो बाकायदे पूरी तरह अच्छे से बन सकती है। सर, जिस तरह से फिल्म आपकी आई थी मेहंदी लगा के रखना, और उसके बाद फिल्म आ रही है अब डोरी सजा के रखना, शादी ब्याह के आसपास की ये फिल्म है, आपको लगता है एक बड़ी कामयाबी जो है जिस तरह से मेहंदी लगा के रखना ने बनाई थी उस दौर में, क्या उसी तरह की किसी कामयाबी को ये फिल्म रिपीट कर पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं उसी मोटो को पकड़ के हम लोग शादी ब्याह की बात बोला कि आजकल हमारे यहाँ तो लव मैरिज बहुत कम ही होता है, हम लोग अरेंज मैरिज पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। और वैसा ही है, और चीज़ें उसने वैसा ही दिखाया कि मेहंदी से करीब हम बेहतर ही इस सिनेमा को बनाए हैं। देखिए, जो चल जाता है वो बेहतर हो जाता है, लेकिन हमने कोशिश की है उससे बेहतर करने की, लोगों का रिस्पॉन्स होगा। रोशन जी, मेरा सवाल यह है कि राउडी स्पेक्टर अभी रिलीज हुई और अच्छा रिस्पॉन्स मुझे थिएटर्स में मिल रहा है कई कई जगह पर, तो उसे बॉलीवुड फिल्मों से भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, आपको लगता है ये जो मोमेंट है, ये जो पर्टिकुलर सीजन है, ये फिल्म के लिए बहुत बेहतरीन है या शायद सबसे बढ़िया है? ये तो होता ही हमेशा से, जब भी इससे पहले की कोई फिल्म अगर अच्छा कर जाती है तो आगे आने वाली फिल्मों को फायदा मिलता है, और अगर एक फिल्म और भी अच्छी है तो और ज़्यादा आपको रिस्पॉन्स मिलने के चांस होते हैं इससे। और डेफिनेटली जब साथ में सारे जी हों, रूपाली जी हों और काफ़ी अमेजिंग एक्टर हैं, फिल्म अच्छी बनी और लोग आएंगे इससे। सर, एक फिल्म से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़, कोई किस्सा जो कि शूट से रिलेटेड हो, जो कि यादगार रहा हो पूरी सजा के रखना से? हमारे जीवन में हर एक दिन एक यादगार ही होता है, मेरे जीवन में हर दिन एक नई चीज़ें होती है, तो उसमें हर दिन एक नई चीज़ें होती थी। क्योंकि हम लोग जो भी काम करते थे तो देखिए, एक तो लोकेशन वहाँ का होता था, हमारे गोरखपुर का लोकेशन था, तो हम जब भी जाते थे तो कुछ नया ही मिलता था हम लोगों को, कुछ पब्लिक के तरफ से तो कुछ यूनिट के तरफ से, तो चीज़ें तो डेली हर जीवन में, हर आदमी के जीवन में कुछ ना कुछ डेली नया ही होता है। और हम भी कोशिश करते हैं कि हमें नया चीज़ मिले ताकि हमारे लिए चुनौती साबित हो, और उस चुनौती के साथ हम अपने काम को करते हैं। सर, बिहार में ये कहा जा रहा था, मुझे पता नहीं इसके बारे में बहुत ज़्यादा, मुझे जानकारी नहीं, कि नाइट शोज कई सारे शोज में नहीं चल रहे थे, कई सारे थिएटर्स में नहीं चल रहे थे, शायद वहाँ पर सिक्योरिटी का जो मामला था वो रहा होगा, गवर्नमेंट बदल गई, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट जो है वो नई सरकार की तरफ से फिल्मों को, इंडस्ट्री को मिलेगा? देखिए, एक बात बताएं आपसे, जब तक हम कुछ सपोर्टिव नहीं होंगे ना, सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती, सरकार को करना होगा तो मुझे लगता है कि बहुत पहले ही हो चुका होगा। और मैं बोला भी हूँ कई बार कि सरकार नहीं चाहेगी तो हमारे लिए मल्टीप्लेक्स वहाँ नहीं होगा, तो सरकार को ही आगे आना पड़ेगा, हम तो सिर्फ काम ही कर सकते हैं। और सरकार चाहेगी, देखिए सरकार बदली है तब क्या होता है, कि सरकार तो एक बार और भी बदली थी, बट देखिए नियति अगर अच्छी हो ना तो दुनिया में कोई भी काम करना बहुत कठिन नहीं होता है और आपको सफलता मिलती है। अब वो किस हिसाब से सरकार बदली है, उनका नियत करने का क्या है, आप ये वही बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो एक आर्टिस्ट आदमी, कलाकार आदमी, और हमें अपनी कलाकारी करने अच्छा आता है, हम बेहतर गा सकते हैं, बेहतर एक्टिंग कर सकते हैं, बेहतर कहानियों पे काम कर सकते हैं, हम इंजीनियर तो बन गए हैं, बट अगर हमें ज़मीन ही नहीं मिलेगी तो हम मकान कहाँ बना पाएंगे? तो मकान बनाने के लिए अगर ज़मीन हमारी सरकार देती है, और हमारी शुभकामना है उस सरकार के, जितने भी मंत्री हैं, जितने भी लोग हैं, सबको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामना, इस नई सरकार के साथ शायद कुछ बेहतर हो सके, अगर फिल्म नीति आ जाए, वहाँ पे फिल्म सिटी बन जाए, मल्टीप्लेक्स हो जाए, हॉलों की स्थिति सुधर जाए, थिएटर की स्थिति सुधरेगी तो लोग ऑफिस ही आएंगे, क्योंकि अब पहले वाली स्थिति तो है नहीं, आज हर आदमी के पास अच्छे पैसे हैं, वो बेहतर सीट देखते हैं, बेहतर थिएटर चाहते हैं, बेहतर साउंड के साथ देखना चाहते हैं, तो अगर वो सारी चीज़ें बेहतर अगर हो गई और सरकार की तरफ से हमें हेल्प मिल गया
तो हमारी भी सिनेमा साउथ से कम नहीं है और हम भी उतने खर्चा करकर बनाने की क्षमता रखते हैं, उतनी बेहतर एक्टिंग करने की कोशिश करेंगे हम भी ताकि हम बेहतर कर सकें। तो बेहतर जब चीज़ें मिलती है फिर भी उसके बावजूद हमारे पास व्यवस्था तो कुछ नहीं है, उसके बावजूद भी हमने हमेशा कोशिश किया है एक बेहतर सिनेमा बनाने की और हमारी पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री हमारे साथ है और कोशिश हम करते हैं, हम कोशिश ही कर सकते हैं। अब सरकार क्या करती है, जो सरकार में है वही बता पाएंगे कि वो फिल्म नीति के लिए क्या करती है और फिल्म दुनिया के लिए क्या करती है। डोली सजा के रखना के शूट के दौरान और वैसे तो मैंने देखा कि ट्रेलर काफी हिट हैं और कोई किस्सा किसी में याद आता है अपनी शादी का जो कि कितना ज्यादा यादों पे याद आ गया हो डोली सजा के रखना के दौरान जो शेयर करना चाहें। हम अपने शादी में तो 4 बजे भोर ले स्टेज पर थे तो कई वो शादी 99 को तो शादी हो गया होगा मेरा करीब करीब सिनेमा में। हाँ उससे तो एक ही है, उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद खाली आता जाता रहता है, जीवन चलता रहता है और हीरोइने हमारी काम करती हैं तो हम बीवी की तरह ही रहती है ना। जिस सिनेमा में हम हर के आधार पर पति और पत्नी के हिसाब से ही करते हैं तो हमारी कोशिश से कोई खिस्सा ऐसा है नहीं मेरा, हमने बेहतर काम करने की कोशिश की है और सबने अपना अपना सपोर्ट दिया है, सबने अपना 100% दिया है। बाकी आगे जनता का मर्जी क्या है तो इसके बाद ही समझ में आएगा, बट हमने बेहतर करने की कोशिश की। सर आपने कहा जैसे कि सरकार की तरफ से सपोर्ट मिलना चाहिए लेकिन भोजपुरी की जो एक्टर्स है वो तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मतलब निरोबा जी, रवि किशन जी, तो क्या ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है कि मतलब इतने बड़े मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के बावजूद इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। मुंबई की जो थिएटर्स की थी, अगर आप अंधेरी का थिएटर है वो भी बंद हो गया अभी भोजपुरी का, तो आप मतलब एक्टर ही मतलब चाहे तो वो कर सकते थे। रवि किशन जी वो इतने हर मुद्दे पर बॉलीवुड के मुद्दे पर बोलते हैं हर वक्त लेकिन वो अपने इंडस्ट्री के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। निरोबा जी भी तो है इंडस्ट्री के बड़े, आप डायरेक्टर रजनी जी को ऐड कर लीजिए प्लीज। नमस्कार, हाँ केसारी जी मुझे लगता है कि क्या कंसेंसस नहीं है मतलब एक्टर्स लोगों में या डायरेक्टर लोगों में। अब ये सवाल तो मुझे लगता है कि रवि भैया, दिनेश भैया और मनोज भैया बेहतर बता पाएंगे कि भोजपुरी के लिए उन लोगों ने देखे अपने जीवन में भोजपुरी के लिए उन्होंने बहुत कुछ दिया है। ऐसा नहीं कि आज उनके दिए हुए उनके बनाए हुए जमीन पे आज हम लोग अपना काम करते हैं और वो पैसे कमा रहे हैं और अपना नाम भी कर रहे हैं तो उनको हम गलत नहीं बोल सकते क्योंकि वो पार्लियामेंट हो सकते हैं, वो हिस्सा है, वो सरकार के भी हिस्सा हो सकते हैं, बट उनका जितना चलता होगा वहाँ पर मैं तो हूँ नहीं, उसके लिए मुझे भी 5 साल इलेक्शन लड़ना पड़ेगा और हम जाएँ वहाँ पार्लियामेंट बने, बनने के बाद ये सारी फिल्म सिटी का निर्माण करके फिर से हम दोबारा चले हैं, ये तभी संभव। बट देखिए सबका अपना नीति होता है, जैसे हमारे सिनेमा में बहुत सारे किरदार होते हैं उसका मालिक हमारा डायरेक्टर होता है, उसके ऊपर का मालिक हमारा प्रोड्यूसर होता है। तो अगर कोई कहे कि मेरी क्यों नहीं सुनी जा रही, मेरी क्यों नहीं सुनी जा रही, तो वहाँ बहुत सारे सिचुएशन होते हैं और उसमें सबका सुनना होता है। तो चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, योगी जी हो, या नीतीश जी हों, या तेजस्वी जी हों, दुनिया का कोई भी सरकार हो, तो सिर्फ एक हमारी बातें तो वहाँ सुनी नहीं जाएगी। बट अगर उन लोगों को जिस दिन लगेगा इस बात को कि नहीं यार फिल्म सिटी अगर बिहार में भी बन जाए, सब्सिडी का प्रतिबंध उपलब्धि अगर बिहार सरकार में भी हो जाए तो चीज़ें बड़ी होगी, हॉलों को सुधारना चाहिए, थिएटर सुधर जाएंगे तो हमारी भी चीज़ें बेहतर होती जाएगी। हम बेहतर थिएटर ना देके भी अपने सिनेमा को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग बेहतर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा सरकार का अगर मदद मिल जाएगा तो शायद मुझे लगता है कि हमारी सिनेमा भी बहुत बेहतर हो सकती है और बेहतर कमाई कर सकती है। रजनी जी आज डायरेक्टर हैं और सर आप फिल्म में है तो आपने कुछ देखी भी है कि आपने कुछ देखी भी और कुछ डायरेक्ट भी किया है, कहानी की कहीं से रिलेवेंसी है, कहीं आपने इस तरह से देखा था सुना था या फिर आपकी जो है कि आपके व्यू की तरह से सोच रहा है। सबसे पहले मैं सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबके जो भी चैनल्स हैं उसके दर्शकों को प्रणाम करता हूँ और ये फिल्म जो है डोली सजा के रखना वो हम लोग मेरी और खेसारी जी की बहुत दिन पहले से इच्छा थी इस कहानी को हम लोग करें और सर ने अपनी सहमति दी उसके ऊपर तो हमने इस फिल्म को बनाने की कोशिश की। ये कहा गया है कि आप जो देखते हैं वही आप दिखाने की कोशिश करते हैं, आप जो पढ़ते हैं वही पढ़ाने की कोशिश करते हैं और जो आप सुनते हैं वही सुनाने की कोशिश करते हैं।
एक अंधा आदमी किसी को कुछ दिखा नहीं सकता, एक बहरा किसी को कुछ सुना नहीं सकता, उसी भांति एक दर्शक जो एक जो डायरेक्टर होता है अपने दर्शकों तक वही चीजें परोसता है जो कहीं ना कहीं आपको समाज में देखा हो या पुस्तकों में पढ़ा हो या फिल्मों के माध्यम से देखा हो, वर्ल्ड सिनेमा में देखा हो, उसी से इंस्पायर्ड होता है, उसी को देखता है और अपने विधा में अपनी काबिलियत के हिसाब से उसको गढ़ करके और अपने दर्शकों के बीच में अपने स्टाइल के माध्यम से अपनी भाषा अपनी संगीत के माध्यम से उसको परोसने की कोशिश करता है। तो ये जो फिल्म है, मैंने भी अपना जो कल्चर देखा है, अपना जो समाज देखा है, अपनी चीज़ों को देखा है, वहाँ से इंस्पायर्ड हुआ हूँ। बाकी जो फिल्में आदमी देखते रहता है, चाहे वो साउथ की फिल्में हो, चाहे वो विदेशी फिल्में हो, चाहे वो फिल्में अपने बंगाल की हो, राजस्थान की हो, तो हर जगह की फिल्मों से इंस्पायर्ड होकर के कोशिश हम लोग करते हैं कि अपने दर्शकों तक भी एक अच्छी स्वस्थ मनोरंजन परोसे। उन्हीं के बीच की एक कड़ी है डोली सजा के रखना, जो स्टोरी मुझे भी काफ़ी अच्छी लगती थी और वो स्टोरी खिसारी जी को भी बहुत अच्छी लगी और हमारे प्रोड्यूसर साहब ने भी उसके ऊपर हामी भरा कि हाँ ये अच्छा है, तो हम लोगों ने भी बनाया। सर, संगीत आपकी फिल्मों का हमेशा उमदा रहा है और लोगों का काफ़ी जी संगीत कोशिश चूँकि हम लोग अपने जो स्टार हैं हमारे वो हम बेसिकली हम तीनों संगीत से ही रिलेटेड हैं। हमारे स्टार जो हैं वो हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं और मैं खुद एक म्यूजिक डायरेक्टर रहा हूँ और जो हमारे हीरो हैं उनकी पहचान ही संगीत है, वो गीतों के माध्यम से और संगीत के माध्यम से ही इंडस्ट्री में आए हुए हैं और हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो उनकी म्यूजिक कंपनी है, तो म्यूजिक कंपनी से ही वो प्रोडक्शन की लाइन में आए कि आज फिल्में बना रहे हैं। तो हम लोगों ने अपनी तरफ से इन्होंने कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या चल सकता है, क्या बाजार बहुत पसंद करेगा, उसके हिसाब से इन्होंने संगीत को तरजीह दिया है। मैंने सिनेमा में क्या चीजें अच्छी होगी, क्या बहुत अच्छा लगेगा, उसके हिसाब से जो कहानी के हिसाब से जाए उस पर फोकस किया और जो खेसारी जी हैं चूंकि स्टार हैं हमारे फिल्म के और संगीत से रिलेटेड हैं तो इन्होंने भी अपना जो इनपुट दिया वो इस माध्यम से दिया कि संगीत फिल्म को भी अच्छा लगे वो गाना और प्लस उसका कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा हो। तो इस फिल्म का गीत संगीत बहुत ही प्यारा है, बहुत बढ़िया है। रजनीश जी, उस फिल्म में आप कहिए मेहंदी लगा के रखना जो आप डायरेक्टर और आज इस फिल्म को डोली सजा के रखना, इसमें इन दोनों फिल्मों की जो जर्नी है खेसारी लाल यादव में कोई चीज बदली नजर आई आपको? उस फिल्म से मेरे अंदर खुद बहुत बड़ी बदलाव आई कि मैं वो मेरी प्रथम फिल्म थी और पहली बार मैं डायरेक्शन कर रहा था, उसके पहले मुझे डायरेक्शन का कुछ पता नहीं था, तो उस समय वो प्रथम अध्याय था। उसके बाद 10-12 फिल्में हमने किया है तो हमारे अंदर थोड़ी सी बदलाव आई है, थोड़ा समझे हैं, हालांकि आदमी प्रतिदिन कुछ न कुछ सीखता है तो थोड़ा बहुत समझ आया है और खेसारी जी के अंदर कोई बदलाव नहीं है। देख लिए कुछ ऐसे होते हैं क्योंकि ये जब हमारी फिल्म में काम किए उसके पहले ही स्टार थे और उसके बाद ईश्वर ने और इनको कामयाबी दी और बड़ा बने और अच्छा किए, तो मेरे लिए जो इनका नजरिया है उसमें बदलाव मुझे नहीं दिखता है और ईश्वर ऐसे ही इनको आगे बढ़ाते रहे, अच्छे अच्छे काम करते रहे। और किसी को पूछना है सर?